नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सैनी, फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम बात करेंगे LIC के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान की, जिसका टेबल नंबर 917 है। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे कि क्या इसमें टैक्स में छूट मिलती है, क्या क्या होता है। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस करते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड। दोस्तों, ये है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान LIC का, जिसका टेबल नंबर है 917। बहुत से लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि क्या LIC में भी FD होती है, फिक्स डिपॉजिट, या नहीं होती है। तो दोस्तों LIC में भी ये प्लान है जहां पर आप अपनी FD भी करा सकते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं और इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कितने टाइम तक का बच्चे के लिए भी आप FD करा सकते हैं, या कितने टाइम तक की FD इस प्लान में होती है, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एज से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एज दी है वो कम से कम 90 दिन की दी है। कम से कम आप 90 दिन के बच्चे की भी FD करा सकते हैं LIC में। और दोस्तों मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 65 ईयर्स की मैक्सिमम एज दी है। 65 साल तक का व्यक्ति भी यहाँ पर अपनी FD करा सकता है। टर्म की बात करें तो कम से कम दोस्तों, बस यहाँ पर टर्म की बात है, 10 साल की आप FD करा सकते हैं कम से कम। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहते हैं तो आप कम से कम 25 साल की FD करा सकते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, 10 साल से कम की FD यहाँ पर नहीं होती है। कम से कम आप 10 साल की FD यहाँ पर करा सकते हैं। दोस्तों समय स्योर्ड की बात करूँ तो समय स्योर्ड यहाँ पर आपको 50,000 रुपये का दिया गया है। अब 50,000 रुपये का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको FD के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। अब अगर आपने 50,000 रुपये का FD कराई है तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये का इंश्योरेंस मिल गया। इसमें पूरा प्रीमियम आपको जमा नहीं करना होता है, मतलब 50,000 का FD कराई आपने तो पूरे 50,000 रुपये जमा नहीं करने, उसमें आपको काफ़ी छूट मिलती है। वो एग्जांपल के साथ हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर आप यही देखें कि आपको पूरे 50,000 जमा नहीं करने होते, इसमें काफ़ी आपको छूट मिल जाती है। और जो इसमें मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स की है, मतलब यहाँ पर जो 65 साल के व्यक्ति अपना लिए FD करा रहे हैं इस प्लान की, तो उन्हें 10 साल की ही टर्म मिलेगी। 65 साल वाले व्यक्ति को सिर्फ 10 साल की टर्म मिलेगी, वो 10 साल से ज़्यादा की टर्म इसमें नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। तो 75 ईयर्स की मैच्योरिटी है। मोड की बात करूँ तो दोस्तों ये सिंगल प्रीमियम है, आपको एक बार ही इसमें पैसा जमा करना है और उसके बाद वो आपने जितनी भी टर्म ली है उतने टाइम तक वो आपका चलता रहेगा। रिटर्न में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें, तो बहुत ही कम टाइम में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वही समय शोर्ड मिलता है, प्लस जो फाइनल एडिशन बोनस है और आपका वेस्टेड बोनस है, ये सभी मिला के दोस्तों बहुत ही अच्छा अमाउंट आपका रिटर्न पे बनता है। अब दोस्तों टैक्स बात करते हैं कि जो रिटर्न आपको मिलने वाला है या जो आपने प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम आपने पे किया है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों जो आपने सिंगल प्रीमियम वो अंडर सेक्शन 80C में आपको 10% समय शोर जो होगा उसके लगभग 10% जो समय शोर है, इतना आपको उसमें टैक्स में रिबेट मिलेगी, बाकी आपका टैक्स लगता है उस पर। और मैच्योरिटी दोस्तों ये टैक्सेबल होती है, इस पर भी टैक्स लगता है, ये टैक्स फ्री नहीं होती 100%। दोस्तों सरेंडर फैसिलिटी की बात करूँ तो सरेंडर आप किसी भी टाइम करा सकते हैं इसे, जब आपकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप कभी भी इसे सरेंडर करा सकते हैं अगर आप बंद करना चाह रहे हैं। और लोन फैसिलिटी की बात करूँ तो आफ्टर 1 ईयर, जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई तो कम से कम 1 साल वो चलनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी टाइम अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों डेथ के केस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये FD है और ज़्यादातर FD में आपको कुछ रिस्क कवर नहीं मिलता है, फिर भी LIC आपको रिस्क कवर देती है। तो यहाँ पर जो समय शोर्ड होता है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर रिस्क कवर में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आपने 50,000 समय शोर्ड लिया या 1 लाख या 1 करोड़, तो जितना भी आप समय शोर्ड लेते हैं वो आपका रिस्क कवर रहता है इसमें, और इससे कम ही आपको प्रीमियम देना पड़ता है, बहुत ही कम प्रीमियम जाता है समय शोर्ड से। तो दोस्तों यहाँ पर डेथ के केस में आपको समय शोर्ड मिलता है।